अगर भाइयों कोई ये कहता है कि भूत भूत नाम की कोई चीज नहीं होती तो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, आपका बैम रखा कर रखा रह जाएगा। इस गांव की सच्चाई जानकर आप भी बोलोगे हाँ भाई सही बोल रहा है। तो भाइयों चलते हैं इस गांव के अंदर और पता लगाते हैं इस गांव की सच्चाई। भाइयों इस गांव का नाम है गुलधारा, जो कि जैसलमेर से 16 किलोमीटर की दूरी पर है और इस गांव को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भूतिया गांव भी माना जाता है। भाइयों अगर आपके पास अपना पर्सनल व्हीकल है तभी आपको इस गांव में एंट्री मिलेगी। फाइनली भाइयों मैं पहुंच गया हूं इस गांव के अंदर। सबसे पहले आपको इस गाँव के अंदर सारे ये टूटे फूटे मकान दिखाई देंगे जिसमें पहले पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। ऐसा कहा जाता है इस गांव में 5000 से भी ज्यादा लोग रहते थे, पर ऐसी क्या मजबूरी हुई कि उन लोगों ने रातों रात ये गांव ही खाली कर दिया। तो टेंशन किस बात की, तुम्हारा भाई बताएगा इसके पीछे की पूरी कहानी। भाइयों ये जो गांव है ना पहले एक राजा के अंडर आया करता था और उस राजा का नाम था सलीम सिंह। तो सलीम सिंह को क्या हुआ कि जो इस गांव के ब्राह्मण परिवार थे उनकी लड़की पसंद आ गई थी। तो सलीम सिंह ने कहा ब्राह्मणों से कि मुझे ये लड़की पसंद आ गई, मैं इससे शादी करूंगा, मैं तुम्हें 5 दिन का टाइम देता हूं, उसके बाद मैं इससे जबरदस्ती शादी कर लूंगा। तो बस ब्राह्मण परिवार वालों ने अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए इस गाँव को रातों रात खाली कर दिया और जाते जाते ये शराब भी दिया कि आने वाले टाइम में यहाँ पर कोई भी अपना घर नहीं बसा पाएगा। मैं अब लेके चलता हूँ इस गांव की छत पर। इसकी गांव की छत पर जाने के बाद यहाँ का नजारा सच बताओ तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। आपको चारों तरफ जितने भी मकान दिखाई देंगे सारे टूटे फूटे दिखाएंगे। यहाँ पे कोई नहीं रहता और नहीं कोई रह सकता क्योंकि ये गाँव शापित है। 5 बजे के बाद यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से भी अलाउड नहीं है। यहाँ पे आने का टाइम है 9 से 5 शाम के 5 बजे तक। जो शाम के 5 बजे तक यहाँ पे रहता है उसके साथ कुछ ना कुछ घटना हमेशा घटती ही है। तो भाइयों अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस गांव के बीचों बीच जहाँ पे सारे मकान टूटे फूटे हैं और थोड़ी बहुत हमने वहाँ पर मस्ती भी की। हम गांव के बीचों बीच है इस टाइम, गांव के बीचों बीच में से जा रहे हैं और हर चीज मैं आपको दिखाने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। ये जो फुलदारा में ये जगह है यहाँ पे, ये जितने भी आपको ये जो ईंटें दिख रही हैं और जितने भी चीजें दिख रही हैं ना, यहाँ पे पहले मकान हुआ करता था। तो अभी लोग डर की मारी ये लोग रातों रात छोड़कर चले गए। तो देखो ये देखो 200 साल पुराना मंजर बता रहे हैं इस चीज को। मैं आपको और थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो पता नहीं यार, किसी ने कह रहे हैं कि ये टोटके कर रखे हैं, टोटके बाद ये आई डोंट नो। तो यहाँ पे देखो ये आपको सामने दारू की बोतल दिख रही है जिसे हम देसी तेल की है वो। अच्छा सरसों की तेल की, सॉरी। तो देखो मुझे ऐसे रखे हैं किसी ने, ये देखो गंडे बांधे हुए हैं यहाँ पे, अगरबत्ती मिल रही है। कितनी साल पुरानी मूर्ति, देखो मैं आपको ना बिल्कुल जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो मूर्ति, देखो ये देखो ये सच में, अरे भाई रिस्क मत ले। ये देखो यहाँ पे मूर्ति मूर्ति है, देखो भाई हम तो क्या बोलूं मैं तो इस चीज के लिए। यहाँ भी मुझे कुछ मिला है मेरे भाई, क्या है ये, क्या क्या कहना चाहता है? संतरा कहाँ है यहाँ पे? ना ये खाली संतरा है भाई। देखो ये आम जैसे दोस्त है, ये देखो लाल लाल भाई साहब, ये बड़ा भाई है। ये मुझे एग्जैक्ट ऐसी लोकेशन पर लेके जा रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ मैं भूत के और यहाँ भूतनी के दर्शन कराऊंगा। तो मैं इस टाइम अपने भाई के पीछे पीछे हूँ, ये देखते हैं। या ये क्या भी, आई डोंट नो कि ये क्या निकाल रहा है इस पेड़ में से, कहाँ पे है। जल्दी आ, जल्दी आ, 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 आ। दिखा इनको भी, देख दे आप लोगों को दिखा है इसमें। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, इसके अंदर है कुछ, देखो वो लग रहा है मुझे कुछ है, कुछ लग रहा है। और यार सच में यार भाई, मतलब हाउ डू यू नो कि यहाँ पे भूत है। कुछ है, चलो 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 भाई। वैसे मिलना था उससे पर वो कुछ ज्यादा विकराल रूप में है। ओके ये देखो मैं और टॉप पे आ गया, ये वो मंदिर। तो भाइयों मैंने हर चीज एक्सप्लेन कर दी है, हर चीज आपको यहाँ डिटेल में दिखा दी है। जैसलमेर के अंदर इस जगह का नाम कुलधारा है, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है। आप जब कभी भी जैसलमेर आओ तो कुलधारा को भी अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हो, अच्छी जगह है, कुछ डिफरेंट होगा जब भी आप यहाँ पे आओगे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। मैं फिर मिलूंगा एक नए प्लेस पे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।